अयोध्या का भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार। रेलवे स्टेशन भी कर रहा उद्घाटन का इंतजार। पीएम मोदी के आगमन पर सजेगा सारा दरबार। दोस्तों, अयोध्या में बन रहे इस भव्य एयरपोर्ट को जरा गौर से देखिए। ऐसा अद्भुत और भव्य एयरपोर्ट क्या आपने इससे पहले कभी देखा है? शायद नहीं। यहाँ के हर कण में आपको भगवान राम के दर्शन होंगे। ऐसा होना भी लाजमी है, क्योंकि इस एयरपोर्ट को बनाने में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, वही पत्थर भगवान राम के मंदिर में भी लगाया गया है। लिहाजा यहाँ का रोम रोम भगवान राम की धुनी रमा रहा है। इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद अब भारत के किसी कोने से लोग यहाँ आसानी से आ सकेंगे। दूरियां भी कम हो जाएंगी, लिहाजा कहने में कोई गुरेज नहीं है कि केंद्र सरकार राम मंदिर उद्घाटन से पहले पर्यटकों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी जनता से संवाद भी करेंगे। पहले समझा जा रहा था कि पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एयरपोर्ट का लोकार्पण कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी तारीख बदल गई है। हालांकि यहां से फ्लाइट की विधिवत शुरुआत नए साल में जनवरी से होगी। दोस्तों, एयरपोर्ट की तरह ही अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन भी अत्यधिक सुंदर है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसमें पूरी तरह राम मंदिर का स्वरूप नजर आता है। दीवार से लेकर गुंबद तक हर तरफ बस राम मंदिर की झांकी ही आपको नजर आएगी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो अयोध्या में बनने वाली अब हर चीज में रामलला का दिव्य स्वरूप आपको नजर आ रहा है। शायद इसीलिए वहां नए बाजार भी बनाए जा रहे हैं, जो आपको पूरी तरह राम में नजर आएंगे। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या अपने उस स्वरूप में नजर आएगी जैसा कि हमने और आपने कल्पना की थी, लेकिन अभी तो ये बानगी भर है। योगी सरकार जिस तरह से अयोध्या के विकास में गंगा बहा रही है, उससे आने वाले वक्त में इसका एक अलग ही स्वरूप नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।